नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड, जिसमें आज अपनी क्लास नंबर 10 से। तो क्लास नंबर 10 में आज हम अध्ययन करेंगे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, और एक और विधि है समस्या समाधान विधि। इन दो विधियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती क्या है। ठीक है, नॉर्मल तौर पर बता देता हूं कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या है। देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, और इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देते हैं, ऐसे ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप है, ग्रुप में बिठा दिया। अब टीचर इनको क्या देगा, कंटेंट देगा। इन सबको कंटेंट दे दिया, अब इनको बोलेगा कि अब आप पढ़िए। तो ये बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, और टीचर इन सब का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा कि कौन सा बच्चा क्या पढ़ रहा है। ठीक है, बच्चे पढ़ते रहेंगे, टीचर इनका करेगा निरीक्षण, और जिस बच्चे को जो समस्या होगी उसके बारे में बताता जाएगा। इस बच्चे को ये समस्या ही बताई, उसके बाद में इस बच्चे के पास जाएगा, इसको इसकी समस्या बताई, ऐसे सब बच्चों के पास घूमेगा, इनका निरीक्षण करेगा, और टीचर के निरीक्षण में ये बच्चे अध्ययन करेंगे। इसलिए इस विधि को निरीक्षण विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये विधि है। आगे बात समझ में। तो अब इसमें अब जैसे गुण आए, तो गुण में जैसे हम बोल देंगे कि ये व्यक्तिगत शिक्षण की अच्छी विधि है। अब दोष में बोल देंगे कि लेकिन इसमें सामूहिक शिक्षण नहीं होता, जिससे बच्चे में ऐसे मतलब सामूहिकता के वो गुण हैं वो डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसे बोल देंगे कि भाई छोटी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी, छोटी मतलब संख्या में बच्चे जहाँ कम हो उनकी उन कक्षाओं में तो उपयोगी, लेकिन जैसे 100-200 बच्चे हैं एक ही क्लास में तो उसके लिए उपयोगी नहीं है। समझ में आई बात? तो ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता इसमें। ठीक है, लेकिन प्रत्येक बच्चे पर शिक्षक ध्यान देता है, तो इस वजह से बच्चों को फायदा होता है। ये गुण में आ गया। अब दोष में पूछे तो बोल देंगे कि भाई समय की जो समय है वो पूरा नहीं रहता है, भाई इतना समय नहीं रहता है कि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके, तो ये इसका कमी आ गई। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से मेन मोटे तौर पर बात यही है कि बच्चों को कंटेंट दिया जाएगा, और ये शिक्षक के निरीक्षण में, शिक्षक की देखरेख में अपने आप पढ़ेंगे, और शिक्षक इनकी समस्याओं का समाधान करता जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं अपन थ्योरी में। देखो, ये 1931 में डेजी मोरविल ने ये इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि का अन्य नाम है निरीक्षित, निर्देशित और सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। इसको निरीक्षण विधि भी कहते हैं, निर्देशित विधि, निरीक्षित विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, ये इसके अन्य नाम है। अब इसके बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए। सबसे पहले बाइनिंग एंड बाइनिंग आए, इन्होंने कहा कि मेज या दरवाजे के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। बाइनिंग एंड बाइनिंग ने क्या कहा कि जैसे मेज या दरवाजे के इसके चारों ओर बच्चे बैठ गए, और फिर इनके चारों ओर बैठे हुए बच्चों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण, अर्थात पर्यवेक्षण का मतलब निरीक्षण, निरीक्षण करना ही क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन है। इसके बाद में थे बोसिंग। बोसिंग ने क्या कहा कि कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का माप ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। समझ में आ गई बात? अब देखो, इनको दिमाग में अटकाने का थोड़ा थोड़ा हिंट ऐसे बना लेना, जैसे बोसिंग से आ गया बोस। बोसिंग से हम क्या शब्द पकड़ सकते हैं? बोसिंग से हम पकड़ सकते हैं शब्द बोस। क्या पकड़ा? एक सेकेंड, बोस। अब बोस रहेगा तो बोस कुशल रहेगा। ठीक है, उसे उच्च स्तरीय चीजें चाहिए, क्योंकि वो बोस है, वो कुशल अध्ययन करता है तभी वो बोस बना। ठीक है, तकनीकियों को समझा तभी वो बोस बना, और अधिकार है उसका सब पर, इसलिए वो बोस है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे आप ऐसे कीवर्ड पकड़ के और परिभाषा को याद रख सकते हो। आगे बढ़ो। देखो, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में शिक्षक के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों को स्व अध्ययन करने हेतु, मेन बात यह आ गई, स्व अध्ययन मतलब बच्चे खुद पढ़ेंगे, स्व अध्ययन करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को कंटेंट दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको इसे इस प्रकार से पढ़ना है। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो देखो, स्व अध्ययन मतलब बच्चा खुद पढ़ेगा। एक तो बच्चे को पढ़ने के लिए कंटेंट की मात्रा दी जाएगी कि इस पेज से लेकर इस पेज तक पढ़ना है, ये चार टॉपिक पढ़ने, साथ ही उनको पढ़ने का तरीका भी बताया जाएगा, मतलब निर्देश भी दिए जाएंगे, तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार पाठ्य पुस्तकें तथा संदर्भ पुस्तकें
अदर जो रेफरेंस बुक है उन वो भी उपलब्ध कराई जाएगी बच्चों को, ठीक है, उपलब्ध कराई जाती है। और विद्यार्थी पूर्ण संलग्नता तथा अनुशासन से प्रदत्त अध्ययन को अपनी गति, अपनी क्षमता तथा अपनी योग्यता के अनुसार क्या करते हैं, फिर वो अध्ययन करते हैं एवं समस्या समाधान हेतु अध्यापक से आवश्यक परामर्श लेते हैं और जहां जहां तकलीफ आती है वहां वहां अपने गुरुजी से पूछते हैं। ये होती है विधि। अब देखो इस विधि को देखते ऐसा नहीं लग रहा क्या कि ये जो छोटी क्लास होती है, जैसे छोटी कक्षा मतलब कक्षा प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ठीक है, जिनका लेवल कम होता है प्राथमिक पहली से पांचवीं तक के लिए, उनके लिए उपयोगी नहीं है। अब देखो छोटे बच्चों को यदि अपन कंटेंट देके बिठा दें कि अब गुरुजी निरीक्षण कर रहे हैं और आप ये कंटेंट पढ़ो, तो वो खुद पढ़ लेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये उच्च कक्षाओं में उपयोगी है। समझ में आई बात? ऐसे अब देखो पर्यवेक्षित अध्ययन प्रक्रिया के चरण, ये विधि स्टार्ट कैसे होती है? सबसे पहले विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के निर्देश देना। शिक्षक आएंगे कक्षा में आके और बच्चों को निर्देश देंगे कि इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है, ये इसके लिए रेफरेंस बुक चाहिए, ये सभी की पाठ्य पुस्तकें हैं, सब अपने अपने बुक ले लो, आपको आज इस पेज से इस पेज तक पढ़ना है, इसको इस प्रकार से पढ़ना है, प्रत्येक बच्चा है वो थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल सोल्व करेगा, ऐसे क्या करेंगे सबको निर्देश दे देंगे। उसके बाद में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे और शिक्षक क्या करेगा, उनका निरंतर पर्यवेक्षण करेगा अर्थात निरीक्षण करेगा घूम घूम के क्लास में, ठीक है, निरीक्षण कर लिया। उसके बाद में समस्याओं के समाधान हेतु विद्यार्थियों का एक उचित मार्गदर्शन करना तथा परामर्श देना। अब निरीक्षण करते रहेंगे और बीच बीच में बच्चे डाउट पूछेंगे तो उनका निरीक्षण करते हुए उन बच्चों को क्या करेंगे, उचित मार्गदर्शन करेंगे तथा उनको परामर्श देंगे, ठीक है। और अंत में क्या होगा, अंत में शिक्षक बोलेगा कि चलो सब बच्चों ने जो दिया हुआ कंटेंट पढ़ लिया, अब सभी सामूहिक रूप से बैठ जाओ, अब मैं इस पूरी की पूरी चीज़ का एक बार रिविजन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। और इस प्रकार से ये विधि हो जाती है कंप्लीट, ये मेथड होता है, ठीक है। लास्ट में सबको इकट्ठा करके कि भाई देखो अलग अलग सबने पढ़ लिया, मैंने सबका मार्गदर्शन कर दिया, अब मैं बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या सीखा, और इसी के साथ विधि कंप्लीट। अब इस विधि के गुण क्या है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुण, इस विधि के गुण क्या है? तो इस विधि का गुण है कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर होकर स्व अध्ययन करना सीखते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज डेवलप होती है कि बच्चे स्व अध्ययन करना सीख जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि अपने को पढ़ना कैसे है और आखिर में जाकर पढ़ना खुद को ही होता है, ठीक है। अब कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी कितनी भी कोचिंग कर लो, ठीक है, पढ़ना तो खुद को ही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब पर्सन टू पर्सन सबकी अलग अलग मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं, अभिरुचियां, अभिवृत्तियां, सब सबका अलग अलग होता है, इनको बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात पर्सन टू पर्सन डिफरेंस के सिद्धांत पर आधारित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि यह विधि विद्यार्थियों को स्व गति से आवश्यकता क्षमता योग्यता के साथ अध्ययन करने का अवसर मिलता है, ठीक है भाई। प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की गति से सीखता है, खुद की आवश्यकता के अनुसार, खुद की क्षमता और खुद की योग्यता से पढ़ता है, ठीक है। प्रत्येक जो बच्चा है वो इंडिविजुअली अपने अपने ढंग से पढ़ता है, तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर तीन क्या कहती है कि ये निदान तथा उपचार दोनों ही इस विधि में निहित होते हैं। बिल्कुल, निदान और उपचार कैसे? निदान और उपचार बोलते हैं कि जैसे बच्चे की कोई समस्या आई, ठीक है, बच्चे की कोई समस्या आई तो शिक्षक क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, तो उसने सबसे पहले देखा कि भाई बच्चे के क्या समस्या आई और तुरंत ही उस बच्चे का वहाँ पर क्या कर दिया, उस बच्चे की समस्या का क्या कर दिया, उपचार कर दिया, मतलब उस समस्या का क्या कर दिया, समाधान कर दिया। इसका मतलब ये निदान तथा उपचार दोनों ही इस विधि में होते हैं, निहित होते हैं, मतलब साथ साथ चलते रहते हैं। देखो ये पिछड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बोला कि पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए ये विधि उपयोगी है? तो हम आपको बता दें कि जो देखो पिछड़े और मंद बुद्धि बच्चे होते हैं ना, वो शंका, लाज, शर्म, हया, ठीक है, पर्यायवाची, तो इसके मारे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, वो बैठे रहते हैं नीची गर्दन करके और पूछेंगे नहीं, शिक्षक से मुंह छुपाएंगे। तो ऐसे बच्चों को जब व्यक्तिगत शिक्षण मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जब अब टीचर पास में आके पूछे कि आपने खुद पढ़ रहे हो, अच्छा क्या पढ़ा, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उनको वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पिछड़े और मंद बुद्धि बच्चों पर इंडिविजुअली जब ध्यान जाता है तो उनका स्तर सुधरता है, इसके लिए इन बच्चों के लिए ये क्या है, उपयोगी है। आगे देखो,
व्यक्तिगत संलग्नता के साथ स्व अध्ययन किया जाता है अतः बालकों में अनुशासन का विकास होता है। व्यक्तिगत संलग्नता मतलब प्रत्येक बच्चा डूब करके पढ़ता है, आराम से पढ़ता है, तसल्ली से खुद अध्ययन करता है, तो इसलिए उसमें एक अनुशासन का भी क्या होता है, डेवलप होता है, अनुशासन का विकास होता है। और देखो, कक्षा में सामान्य शिक्षण के दौरान रहने वाली अधिगम रिक्तियां कुछ सीमा तक इसमें पूर्ण हो जाती है। मतलब सामान्य शिक्षण मतलब जैसे अपने नॉर्मल स्कूलों में जैसे शिक्षण होता है, वैसे सामान्य शिक्षण के दौरान यदि कोई अधिगम रिक्तियां मतलब कमियां बोले तो क्या क्या कमियां रहती है, जैसे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान नहीं जाता है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जो प्रतिभाशाली होते हैं वो तो बीच बीच में बोलते रहते हैं सर इसमें ये होगा इसमें ये होगा, तो उन बच्चों का वगैरह जो क्लास में शिक्षण होता है उसमें जो जो कमियां रह जाती है उसकी पूर्ति इस विधि में हो जाती है। नेक्स्ट, पृथक पृथक गृह कार्य देने की व्यवस्था होती है। बिल्कुल भाई, देखो इंडिविजुअली सब बच्चा अलग अलग पढ़ेगा तो शिक्षक उसको उस स्तर का गृह कार्य दे देगा। अब इस विधि के दोष भी हैं, तो क्या क्या दोष हैं देखते हैं कि इसमें दोष क्या क्या हैं इस विधि के। तो सबसे पहला कि केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करती है, भावात्मक और क्रियात्मक का नहीं। बिल्कुल सही बात है, संज्ञानात्मक मतलब जैसे बच्चा पढ़ेगा तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज उसके दिमाग में खूब डेवलप होगा, ठीक है, मानसिक शक्तियों का विकास मतलब ऐसे परिभाषाएं वगैरह याद करना और ये सब डाटा खूब जाएगा दिमाग में, लेकिन न तो वो कोई नया कौशल सीखेगा मतलब न तो कुछ क्रिया करके वो सीख रहा है, ठीक है, और न ही उसका भावात्मक मतलब अभिरुचि अभिवृत्तियों इन ऐसी चीज़ों का विकास नहीं हो रहा है। समझ आएंगे बात, मतलब भावात्मक वाला इसमें चरित्रीकरण वगैरह वो नहीं हो रहा है। और देखो, गणित जैसी जटिल विषय वस्तु का अध्ययन करना का अध्ययन इस विधि में अधिक उपयोगी नहीं है। मतलब बाकी ठीक है, जैसे हिंदी में कुछ कंटेंट दे दिया तो वो पढ़ लेगा, एसएस का भी पढ़ लेगा, लेकिन अब मैथमेटिक्स जैसा जटिल विषय है जिसको समझाने पर भी बच्चों को थोड़ा मुश्किल से समझ में आता है, तो उस गणित जैसे विषय को बच्चा स्व अध्ययन कर ले इसकी कल्पना थोड़ी कठिन है। यदि अपन करें तो भी ये थोड़ा सा क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, और ये अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया, क्योंकि प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक बच्चे के ढेरों डाउट रहते हैं, तो सभी के ऐसे डाउट सोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो समय लेने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट, ठीक है, और इसी के साथ आपकी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब हम कौन सी विधि का अध्ययन करेंगे, अब हम अध्ययन करेंगे समस्या समाधान विधि का। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि क्या कहती है, देखो समस्या समाधान विधि में मोटे तौर पर होता क्या है ये बता देते हैं कि शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने एक समस्या उपस्थित करता है, ठीक है, समस्या उपस्थित करेगा और बच्चा इसमें अपना विवेक लगाएगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और इस समस्या का समाधान करेगा, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा सक्रिय होगा, ठीक है, और क्या होगा, और बच्चे की मानसिक क्षमता का विकास होगा, तर्क चिंतन आदि डेवलप होंगे। अच्छा, तर्क चिंतन आदि डेवलप होंगे तो इसका मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक विधि हो गई, ठीक है। और इसके लिए समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रशिक्षित अध्यापक चाहिए। और क्या है इस विधि में, इस विधि में बच्चा सक्रिय रह गया, विवेक बुद्धि का प्रयोग कर लिया, सब ठीक है, तो अब इसमें और क्या क्या चीज है, तो वो हम थ्योरी में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर बता दिया कि शिक्षक समस्या उपस्थित करता है और बच्चे समस्या का हल करते हुए सीखते हैं, तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, समस्या समाधान विधि प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि प्रयोजनवाद के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है और समस्या समाधान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रयोजनवाद की, ठीक है। प्राचीन काल में सुकरात तथा सेंट थॉमस से इस विधि का संबंध ज्ञात होता है, किंतु आधुनिक समय में जॉन ड्यूवी के समस्या समाधान विधि पर विचार प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बात आती है कि इस विधि का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्राचीन काल में तो सुकरात और सेंट थॉमस का नाम आता है इस विधि को लेकर के, और यदि आधुनिक समय की बात की जाए तो ये विचार जॉन ड्यूवी का लगता है, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो,
समस्या समाधान विधि की कार्य पद्धति प्रायोजना विधि से मिलती है, किंतु जहां प्रायोजना विधि में समस्याओं का समाधान क्रियात्मक रूप से किया जाता है, वहीं समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक रूप से समाधान किया जाता है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सैद्धांतिक रूप से समस्या का समाधान किया जाता है। भाई जैसे समस्या समाधान विधि में अपन कोई करेंगे कार्य, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका मानसिक हल निकालेंगे सैद्धांतिक रूप से, अर्थात तो उसका थ्योरेटिकल क्या करेंगे, थ्योरेटिकल उसका सॉल्यूशन निकालेंगे समस्या समाधान विधि में, ठीक है। जबकि जो प्रायोजना विधि होती थी, प्रायोजना विधि में क्या किया जाता था, जैसे कोई प्रायोजना होती है और उस पर कार्य करवाया जाता है तो उसमें क्रियात्मक हल निकाला जाता है। ये इसमें और समस्या समाधान और प्रायोजना विधि में अंतर है। आगे देखो, समस्या समाधान विधि मानसिक क्रियाओं के क्रियाओं को महत्व देने वाली विधि मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है, मानसिक क्रियाएं मतलब समस्या उपस्थित कर दी तो बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा तर्क चिंतन का प्रयोग करेगा, तो ढेर सारा दिमाग लगेगा, तो उसकी मानसिक क्रियाओं को महत्व दे रही है। तथा इसमें बालकों के सम्मुख परिस्थितियों का निर्माण करके समस्या का चयन बालकों द्वारा किया जाता है, तथा क्रियाशील रहकर उस समस्या के हल से संबंधित तथ्यों का संकलन करके अपनी तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति तथा विचार शक्ति द्वारा समस्या समाधान तक पहुंचा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बालकों के सम्मुख परिस्थितियों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बालकों के समक्ष जैसे ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न कर दी, समस्या उत्पन्न कर दी, तो बालक क्या करेगा, उसमें से एक समस्या का चयन करेगा, ठीक है। अब इस समस्या से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनको बच्चा तथ्य सूचना डाटा उनको एकत्रित करेगा, डाटा एकत्रित करके फिर क्या करेगा, इन डाटा और इस समस्या इन दोनों को देखेगा कि समस्या ये है और इससे जुड़े हुए डाटा ये है, और फिर करेगा अपने तर्क चिंतन शक्ति निर्णय शक्ति का प्रयोग करेगा, प्रयोग और प्रयोग करके लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, समाधान पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यह है समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान विधि के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा, तो समस्या समाधान विधि के बारे में सबसे पहले वुड ने कहा कि समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के सर्जन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक होता है। अर्थात बच्चों के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ रखी जाती है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि सर्जन द्वारा कुछ नया करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, और फिर क्या कर दिया जाता है, समस्या का समाधान कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का थोड़ा सा लॉजिक ढूंढते हैं अपन, ठीक है। देखो वुड, वुड माने लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, लकड़ी की आज के टाइम में समस्या, क्योंकि वन वगैरह बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन ये समस्या है, ये अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, फिर भी जो सुथार वगैरह होते हैं वो अपने सर्जन द्वारा मतलब सृजनात्मक शक्ति के द्वारा प्रोत्साहित होकर, ठीक है, इस समस्या का समाधान कर देते हैं, अर्थात अच्छा अच्छा कम लकड़ी का फर्नीचर बना देते हैं, ठीक है, ऐसे इसको याद रखना है। आगे देखो, आगे जॉन ड्यूई ने क्या कहा इसको लेकर, जॉन ड्यूई ने कहा समस्या समाधान विधि का प्रयोग शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है, ठीक है। इस विधि में निश्चित सोपानों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कीवर्ड क्या क्या है, कीवर्ड पकड़ो पहले, तो कीवर्ड ये आए इसमें कि कीवर्ड में है कि जॉन ड्यूई ने समस्या समाधान विधि का प्रयोग शिक्षा की एक तो प्रथम आवश्यकता है, शिक्षा की प्रथम आवश्यकता है। इस विधि में निश्चित सोपानों का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। अब देखो जॉन ड्यूई, तो ऐसे देखो जॉन डीवी, कौन से डीवी, फर्स्ट डीवी जॉन है, वो फर्स्ट डिवीजन पास होगा। फर्स्ट डिवीजन कब पास होगा, जब प्रथम कब आएगा, वो प्रथम तभी आएगा जब वो निश्चित सोपानों अर्थात निश्चित सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए वो समस्याओं का समाधान करेगा, तभी वो क्या आएगा, प्रथम आएगा, जॉन का डिवीजन फर्स्ट रहेगा, ठीक है। अब देखो इस समस्या समाधान विधि के सोपान अर्थात इस विधि के चरण क्या क्या हैं, इस समस्या समाधान विधि के सोपान क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले बच्चों के समक्ष समस्या की उपस्थिति की जाती है, फिर बच्चे उसमें से समस्या का चयन करते हैं, ठीक है, फिर उस समस्या को अच्छे से समझते हैं, मतलब परिभाषीकरण होता है, समस्या को समझा जाता है कि ये समस्या आखिर है क्या, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में समस्या के समाधान से संबंधित तथ्यों का एकत्रित किया जाता है, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, डाटा कलेक्ट करके फिर परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है कि समस्या ये है
डाटा ये है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे किया जा सकता है, इस पर बच्चा क्या करता है, कल्पना करता है और फिर उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करता है कि ऐसा हो सकता है, कल्पना की और फिर प्रयोग किया फेल हो गई, फिर प्रयोग किया फेल हो गई, ऐसे मतलब परिकल्पनाओं पर परीक्षण करता जाता है तो उनमें से कुछ परिकल्पनाएं क्या हो जाती है, सही सिद्ध हो जाती है, सही सिद्ध हो जाती है, ठीक है, और अंत में क्या हो जाती है, निष्कर्षों की प्राप्ति, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इस समस्या समाधान विधि के गुण क्या क्या है। इस समस्या समाधान विधि के गुण, पहली बात तो ये बाल केंद्रित विधि है, बच्चों को सेंटर में रखा जाता है, बच्चों को सेंटर में रख के और पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहली बात ये बात बाल केंद्रित विधि है। नंबर दो, इससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है, बिल्कुल होता है मानसिक शक्तियों का विकास, क्योंकि दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है। नंबर दो, समस्याओं के समाधान खोजने का कौशल विकास करती है, बिल्कुल, बच्चा अपने भावी जीवन में भी इस रूप से ढल जाता है कि उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो तुरंत उस समस्या के समाधान को लेकर सोचता है, तो इसका मतलब उसमें समस्या समाधान का कौशल है वो डेवलप हो गया है, ठीक है। और देखिए, और है कि सामूहिक हल खोजने की प्रवृत्ति का विकास करती है, सामूहिक हल। अब देखो, बच्चे हैं, दो चार बच्चे साथ में बैठ करके और समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, समस्या समाधान विधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो उनमें सामूहिक हल खोजने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। नंबर पाँच, सक्रिय रहकर तथा स्वयं के प्रयासों से तथ्य संकलन में निष्कर्षों की प्राप्ति तक पहुंचने की प्रवृत्ति का विकास करती है। भाई खुद डाटा एकत्रित करते हैं, खुद परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं कि भाई ये मतलब सोल्व कर करके देखते हैं कि इस हिसाब से ये सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण डेवलप होते हैं। भाई खुद भविष्य में भी वो खुद ऐसे सब किसी भी समस्या को देखते हुए उस समस्या से जुड़ी हुई सूचना एकत्रित करके और उसको सोल्व करने का गुण डेवलप हो जाता है। अब है समस्या समाधान विधि के दोष क्या क्या है, इस समस्या समाधान विधि के दोष क्या है। तो दोष ये है कि ये छोटे बच्चों और निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो छोटी क्लास है, मतलब क्लासें हैं जैसे प्राइमरी कक्षाएं वगैरह, और उनमें जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों का इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मानसिक विकास इतना नहीं हो पाता है कि वो क्या कर सके कि समस्या का समाधान ढूंढ सके, ठीक है। और समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया जटिल एवं लंबी होने के कारण धैर्य की आवश्यकता होती है। भाई समस्या का समाधान कर रहे हैं तो कई बार ऐसे होता है कि समस्या का जो समाधान होता है वो काफ़ी देर से मिलता है, ठीक है, तो इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है, पैसे चाहिए, तो इस वजह से भी ये एक इस विधि का दोष है, क्योंकि बच्चों में इतना पेशेंस नहीं होता, बच्चे क्या झटपट बस सूत्र लगाए और उत्तर आए, ठीक है, उनको लंबी प्रोसेस नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ है। और ये समय लेने वाली प्रक्रिया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है इसमें, अतः पाठ्यक्रम का विकास धीमी गति से होता है, सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, तो ये इस विधि का क्या है, दोष है, ठीक है विद्यार्थियों। इसी के साथ अपनी समस्या समाधान विधि है वो हो जाती है कंप्लीट, ठीक है, समस्या समाधान विधि इज कंप्लीट, ठीक है। बताइए क्लास कैसी लगी आपको, कैसा रहा आपका आज का जो सेशन है ये, तो इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और ये जो PDF 6 पेज की PDF है जो हमने अभी पढ़ी है, इस PDF को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF वीडियो लिंक सब उपस्थित है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, स्क्रीन पर भी हम लिख देते हैं, इस पर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट है वो सेंड कर दीजिएगा। बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट जो बनाए रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें हम आपको ऐड कर देंगे, साथ ही आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर देंगे, ताकि आपको तुरंत ही जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर लिंक मिले इसका, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।